अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 27, सर्किट्स, प्रॉब्लम 54 है। अब वो कहता है गाड़ी की लाइटें जब स्विच करते हैं तो एम मीटर की रीडिंग 10 एम्पेयर थी और उसके गिर 12 वोल्ट का रीडिंग आ रही थी वोल्ट मीटर पे। फिर एक मोटर को चला दिया गया, जब मोटर चलाया तो करंट कम होकर 8 एम्पेयर हो गया। अब इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी की 0.05 एम्पेयर है, एम मीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस नेगलिजिबल है। हमसे बैटरी की ईएमएफ मांग रहा है और मोटर के स्टार्ट करने पे करंट कितना था जबकि लाइट्स ऑन थी। अब सबसे पहले हम टर्मिनल ईएमएफ का कह लें कि पोटेंशियल देखते हैं कि ईएमएफ बराबर होगी टर्मिनल पोटेंशियल प्लस आईआर। अब हम कह सकते हैं 12 वोल्ट का ईएमएफ था जो या वोल्ट मीटर की टर्मिनल रीडिंग आ रही थी, देन 10 एम्पेयर का करंट था, इंटरनल रेजिस्टेंस पता है, तो 12.5 वोल्ट की ईएमएफ लगी होगी। अब जो ड्रॉप हुआ वहां पे वो हमने चेक करना है कि वोल्ट उसके कितने थे। तो आई प्राइम और आर लाइट का दिया हुआ है, हमें पता है रेजिस्टेंस लाइट की जो इस वक्त एक्ट करेगी। तो 12 वोल्ट आपके पास आर निकाला जाएगा, वी ओवर आई से 8 एम्पेयर का करंट है, यहाँ पे 9.6 वोल्ट आ जाएगा। अब हमें पता है मोटर का करंट निकालना है, तो मोटर के करंट के लिए जो पोटेंशियल लाइट्स ने लिया प्लस जो मोटर का करंट जो आपके पास इस वक्त चल रहा है सर्किट में 8 और इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगी। इस सारे में से आई मोटर निकाला जा सकता है, चीजें क्रॉस करके सारी चीजें पता है हमें। अब आपके पास इसमें सारी वैल्यूज प्लेस कर दी तो ये 50 एम्पेयर आ जाएगा। तो इसका मोटर ने स्टार्टिंग पे 50 एम्पेयर का करंट लिया। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।